ये है वो जहाँ से मैं अभी इनको टेस्ट करवा रहा हूँ। तो ये बेसिकली इनका प्लांट होता है। वहाँ पे आप जो देख रहे हो ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ वाले सेक्शन में होता है आपका जो बेसिकली गैस को हटाया जाता है यहाँ से, मतलब जो गैस रह गया है तो वो यहाँ से निकाल के निकाल देते। तो ये वाला इनका सिनेरियो रहता है। अब यहाँ पे होता है आपका गाड़ी का सिलेंडर निकाल रहे हैं बाहर। आइए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ गाड़ी का सिलेंडर निकाल। यहाँ पे जो भैया हैं पूरी गाड़ी को, गाड़ी से इसको सिलेंडर को बाहर निकालेंगे और उसके बाद इसका पूरा टेस्टिंग होगा स्टार्ट। देखिए पूरा कैप वैप जो है वो सब हटा देते हैं यहाँ से। अभी ये और ये बेसिकली हर 3 साल में होता है। अगर आप नई गाड़ी भी खरीद के लाते हैं तो तभी भी आपको आफ्टर 3 ईयर्स ये करवाना मैंडेट है। तो सिलेंडर बाहर आ गया है भाई, अब ये जाने वाला है। ये सब इसकी सेटिंग्स होती हैं। तो चलिए अब भैया ये कर लें पहले, उसके बाद हम आपको आगे का दिखाते हैं क्या खर्चा लगता है क्या है वो सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। अभी पहले एक बार टेस्टिंग करवा देते हैं इसका। अभी अपना सिलेंडर लेके जा रहे हैं भैया, जहाँ से आपका जो गैस बचा कुचा गैस है वो यहाँ से डीगैसिंग हो जाएगा। तो अब इसको भैया लगाएंगे और थ्रू इस पाइप के ये सीधा ऊपर छोड़ देते, सो दैट यहाँ से भी छोड़ सकते थे बट यहाँ पे ज़्यादा गैस गैस ना हो जाए इसलिए वो डायरेक्ट ऊपर के साइड छोड़ रहे हैं। तो भैया एक बार पहले सेट कर लिया, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी गैस निकल रहा है, इसके अंदर जो भी गैस था वो निकाला जा रहा है। अब हो गया डीगैसिंग कंप्लीट, अब ये बाकी के प्रोसेस के लिए जा रहे हैं। अब ये देखो भाई, अब ये हो रहा है डी ऑयलिंग, आप इससे दिख रहा होगा आपको। ये देखो बूंद बूंद करके ऑयल गिर रहा है इसमें से। तो आप ये सोच रहे होंगे अब कि ये ऑयल गिर कैसे रहा है। भैया ये ऑयल गिरता कैसे है ये एक बार बताएं। एक्चुअली कंप्रेसर का ऑयल जो है ना वो गैस के थ्रू सिस्टम में ट्रांसफ़र हो जाता है, इसमें सिलेंडर में ट्रांसफ़र हो जाता है, सो दैट कि वो यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। और जब आप 3 साल के बाद इसको करवाते हैं ना तो उस टाइम पे ये प्रोसेस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ऑयल जो है ना सिलेंडर की अंदर वाली जो लेयर है उसको रस्ट कर देता है, उसको ख़राब कर देता है, कमज़ोर कर देता है। तो इसलिए इसका टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी है। और इसमें से कम 100-150 ग्राम तो भैया तेल गिरता होगा जी, कई बार ज़्यादा भी। अच्छा, जो आपके वो जो वो वाले चीज़ होते हैं जो आपके कमर्शियल व्हीकल उनमें शायद ज़्यादा आता होगा। नहीं, कई बार आ जाता है, सिलेंडर टू सिलेंडर वेरी करता है, बट ये जो सिलेंडर सीएनजी सिलेंडर जो स्टेशन है वहाँ से ये ऑयल उनके कंप्रेसर के थ्रू इसमें शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो अब इस मशीन के बाद हम आए हैं इस मशीन में। अब इसमें क्या खासियत होता है, इस पर इसलिए रखा जाता है इसको क्योंकि इसके अंदर ना रस्ट होता है, तो उस रस्ट को निकालने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं हम बेसिकली। तो ये अब हम इसका रस्ट निकाल रहे हैं, ये भी इसका पूरा रस्ट निकलेगा क्योंकि तेल भी अगर इसके अंदर रहता है ना तो वो भी एक साइड को रहता है तेल। तो अब इसका रस्ट निकालने का ये प्रोसीजर चल रहा है। नेक्स्ट इसके बाद ये इसका वेट किया जाता है। ये अपना सिलेंडर नंबर हो गया गाड़ी का 106 नंबर। अच्छा, और ये टीयर वेट है 60.9 kg। 60? अच्छा हाँ, 60.9 kg। हाँ ओके, 5% से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, और जो हमारा आया है एक्चुअल वेट, ये एक्चुअल वेट आया हमारा 61.70। पास है मतलब? ओके, ये पास है। तो कितने में फेल हो जाता है भैया? जैसे 5% से कम, जैसे सब मुझे आप इसमें जो नंबर आ रहा है उसमें उसमें से बताओ। 60.9 kg में से अगर 5% लेस है तो 60.9 kg से अगर 5% लेस है। हाँ, अच्छा, कम होता है ना। ओके, उसमें आपका फेल हो जाता। तो उसमें ये होता है क्या है, जहाँ पे भी आप लोग ये सिलेंडर चेक करवाते हैं वहाँ पे अगर ये फेल हो जाता है तो जो कंपनी वाले वो सिलेंडर देते भी नहीं है। हम आपको नहीं देंगे। तो उसके मतलब नया देते हैं आप लोग? ये कट करके हम आपको फेल का सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। फेल का सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। ये जो ऊपर का है जिस पोर्शन पे लिखा हुआ है ये हम लोगों के पास रहेगा, हम उसको कट करके आपको खाली सिलेंडर जो इस साइड का है वो आपको दे देंगे, ये हमारे पास जमा हो जाएगा।
अच्छा, तो उसके बाद वो नया सिलेंडर बाय करना पड़ता है। वो आपको कंपनी देगी जिस कंपनी का सिलेंडर है ना। हाँ, क्योंकि एक सिलेंडर के 20 साल लाइफ होती है। ओके, तो मतलब अगर जैसे कंपनी वाला है तो मारुति वाला ही खुद देगा उसके बाद, उसके लिए वो चार्ज करता है कोई? वो आपको नया सिलेंडर परचेज करना पड़ेगा। उनसे नया सिलेंडर परचेज करना पड़ेगा। अच्छा, ओके। क्योंकि हर एक सिलेंडर का एक जैसे आधार कार्ड होता है ना, वैसे ही हर एक सिलेंडर की एक मार्किंग आईडी होती है, यूनिक आईडी होती है। उस नंबर का कोई दूसरा सिलेंडर आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, तो वो नया सिलेंडर आपको अपनी गाड़ी के लिए परचेज करना पड़ेगा। ओके, ऐसा है। ओके, और जो आपका बचा हुआ सिलेंडर है यहाँ से, हाँ? ये हमारे पास जमा हो जाता है रिकॉर्ड में। और जो यहाँ से जो आगे का जो हिस्सा है ना, जो व्हाइट कलर का पूछ रहे थे, वो हिस्सा आप जो है ना आप लेके जा सकते हैं, उसको स्क्रैप करवा सकते हैं। अच्छा, ओके। यहाँ के बाद जो प्रोसेस होता है ये, अब इसमें क्या है, इसमें सिलेंडर के अंदर पानी डाला जाता है। भैया पानी क्यों डाला जाता है? एक्चुअली पानी इसलिए डाला जाता है कि जब हम टेस्टिंग करते हैं तो पानी से ही इसकी टेस्टिंग होती है। जो वाटर जैकेट है हम लोगों की, उसकी जो एक्चुअल जो एक्यूरेसी होती है ना, वो इसके उस एक्यूरेसी के कारण से है ना, हम पानी से इसका टेस्ट करते हैं, हम एयर से इसका टेस्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसका हाइड्रो स्ट्रेच टेस्ट। हाँ, हाइड्रो स्ट्रेच टेस्ट। अच्छा, ओके। तो उसका ये पानी भरने के बाद भैया क्या पानी हम निकाल देंगे यहाँ पे? नहीं, पहले इसे प्रेशर देंगे। अच्छा, इसके पानी भरने के बाद इसके अंदर सिलेंडर इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर चला जाता है। तो इसके अंदर यार भाई बहुत पानी है बेसिकली, तो इसके अंदर चला जाता है और इसके अंदर नीचे चला जाता होगा ये। तो अब इसके बाद ये प्रोसेस होएगा, यहाँ पे पानी भरेगा, पानी भरने के बाद भैया इसको इसके अंदर डाल देंगे। भैया ने इसको लटका दिया इसके ऊपर, अब ये हम अंदर इसको डालने वाले हैं प्रेशर टेस्ट करने के लिए। इसके अंदर पानी भरा हुआ है पूरा, चला गया। पे डाला जाता है प्रेशर, सो दैट इसमें ये चेक किया जाता है, क्योंकि सीएनजी पंप में जो है बेसिकली 210 के आसपास ही हार्डली प्रेशर मिलता है, बहुत ज़्यादा। और ये जो टेस्ट करते हैं भैया 340 ना भैया, 334 से लेके 334 का इसमें प्रेशर डाला जाता है। और इसमें थोड़ा सा इसमें टैंक में फुलावट भी आती है, तो वही सब चीज़ें इसमें चेक किया जाता है कि ये कितना प्रेशर ले सकता है, क्योंकि 334 जो है वो हाईएस्ट है गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से, और जो पेट्रोल पंप में है सीएनजी पंप्स में वो कम देते हैं। तो अभी हम इसको चेक कर रहे हैं, भैया चेक करेंगे अभी इस प्रेशर डाल के। तो आइए चेक देखते हैं, लेवल चेक करने का जो कनेक्टेड है इसके साथ, वहाँ पे भैया इसको फिक्स कर रहे हैं प्रेशर डालने के लिए। और यहाँ पे देखा तो मैं आपको, इसका वाटर लेवल यहाँ तक आ गया, ये देखिए, देख रहे हो आप, ये नीचे छलक रहा है, यहाँ पे वाटर लेवल आ गया। अब इसको हम देखेंगे भैया, इसमें प्रेशर डालेंगे। अच्छा, तो अभी ये प्रेशर चेक कर रहे हैं भैया, इसलिए हमको बाहर जाना है। वहाँ पे जो प्रेशर जो है ना, अच्छा इसमें प्रेशर चेक शुरू होता है जिसमें आता है 334 तक का आता है, उसमें डाल के चेक किया जाता है। तो ये थोड़ा सा रिस्की मामला है, इसलिए वो एक बार बाहर कर देते हैं। तो आइए देखते हैं इसको, बाद में चेक करवाता हूँ। ये प्रोसेस आपका सिलेंडर पास हो गया। अच्छा, ये सिलेंडर पास हो गया, ये आ गया मेरा हीरो लाला, सिलेंडर ओके, सिलेंडर पास। अब इसको वापस वहाँ पे प्रेस करेंगे भैया और इसको अनइंस्टॉल करेंगे। इसको पानी निकाल दिया जा रहा है अब इसका फाइनल सेटअप के लिए। अभी इसको सुखाया जा रहा है अंदर से, यहाँ से भैया ने हॉट एयर ब्लो ऑन कर दिया है और इस मशीन को इस पाइप के थ्रू से अंदर जा रहा है और इसको पूरा पूरा अंदर से सुखा रहे हैं, क्योंकि अंदर से सूखना बहुत ज़रूरी है। अभी भाई सब प्रोसेस हो गया है और लास्ट सूखने का प्रोसेस अभी चल रहा है, तो वो जैसे ही सूखने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेंडर पास हो गया, अब उसका कागजात बनना है और उसका प्लेट बनना है। और मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि आइए और आके करवाइए इस चीज़ को यार, जिनका जिनका सिलेंडर है, और जिन लोगों ने 3 साल अपना बिता लिया सिलेंडर के साथ वो भी आए भाई, क्योंकि ये मैंडेट है यार गवर्नमेंट नॉर्म्स है, और गवर्नमेंट नॉर्म से ज़्यादा यार आपकी सेफ्टी भी है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिलेंडर का हाल, जैसे आप लोग गाड़ी के टायर देखते हैं, तो वो सब हर एक चीज़ का ना एक शेल्फ लाइफ है, तो उस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट ने बोला है फाइन भी लगेगा भाई अगर नहीं करवाओगे। बाकी देखो दूसरे 420 रास्ते तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपके नकली प्लेट बना लिया, बट
प्लेट आपने बना लिया बट उससे आपका मेन पर्पज सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है, आप चला सकते हो, सीएनजी डलवा सकते हो, मौज ले सकते हो, बट इन द एंड ऑफ द डे सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो गया वहाँ पे। तो सेफ्टी को अगर आपको देखना है तो आपको ये कराना बहुत ज़रूरी है 3 साल के ड्यूरेशन में, और ये कुछ ज़्यादा प्रोसेस भी नहीं है यार, 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगता है, पूरा प्रोसेस होकर आपका काम खत्म हो जाएगा और आपको पूरा एक सर्टिफिकेट और आपका प्लेट्स व्लेट्स, उसके बाद आप दबा के फिर से 3 साल चलाओ भाई, कोई इशू नहीं है, 3 साल का ड्यूरेशन है। नई गाड़ी में भी सेम चीज़ होता है, आफ्टर 3 ईयर्स नई गाड़ी में भी आपका चेक करवाना होता है। आपका कोई भी नई गाड़ी होगी ना, उसका आप प्लेट देखना, प्लेट में मेंशन रहता है कि आपको सिलेंडर कब टेस्ट करवाना है। तो मैं इस यहाँ का तो सब कुछ हो ही गया, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का प्लेट व्लेट जब बन जाएगा मेरा, बाकी मैं यहाँ का डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूंगा तो आप लोग यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, और भैया का भी नंबर डाल दूंगा मैं यहाँ पे, भैया मिलेंगे। भैया आपका नाम? निशान भैया मिलेंगे हमको, देखो भैया को दिखा भी देते, ये देखो हमारे भैया मिलेंगे यहाँ पे सबको, राम राम भाई को। आओ भाई सिलेंडर टेस्ट करो, सब करवाओ यार, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो भैया मिलेंगे, भैया करके देंगे, बड़ा मस्त तरीके से भैया करवा देते हैं। पहले भैया ने बोला था हमको वीडियो नहीं बना सकते, बट जब मैंने भैया से रिक्वेस्ट किया कि भैया थोड़ा बहुत बताना ज़रूरी है लोगों को, तो भैया ने बोला चलो करते हैं इसको। तो चलो भाई, बाकी का जो भी है मैं आपको दिखाऊंगा, फिट हो जाए एक बार फाइनली, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे। यार भाई हमारा नया प्लेट सीएनजी का, अब दबा के फिर से सीएनजी डाला जाएगा इसमें। सो फाइनली सब कुछ हो गया है, अब वापस निकलते हैं। तो भाई अब हो गया है सब कुछ फाइनली, फिट वेट सब कुछ, भैया लोग भी जा रहे हैं यहाँ से अब, क्योंकि उनको भी लेट हो ही गया है, क्योंकि बज रहे हैं 4:30 और इनका जो टाइमिंग है मोस्टली जो रहते हैं ये सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए भाई सेफ्टी के साथ, और जो चीज ऐसा फ्लेमेबल है तो उसके साथ तो एकदम नहीं करना चाहिए। तो चलिए भाई, इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बताइएगा किन किसने इस जगह पे जाके अपना सिलेंडर टेस्ट करवाया। तो चलिए भाई, इसी नोट में करते हैं क्लोज वीडियो को, बाय बाय।